नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम विनीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी मारुति सुजुकी की गाड़ी, चाहे वो एस्प्रेसो हो, चाहे वो वैगनार हो, चाहे वो बेलिनो हो, उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में नेविगेशन एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। तो जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी तरीके रहेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम आपको गाड़ी के पास ले जाके, चाहे आपका फोन दोस्तों एंड्रॉयड है, चाहे आपका फोन iOS है, किस तरह से आपको उसमें नेविगेशन मैप्स यूज करने हैं, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा गाड़ी के पास और अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले जाकर ही सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी के पास चलते हैं। और साथियों, हम आ चुके हैं मारुति सुजुकी गाड़ी के अंदर और हम आपको अब दिखाएंगे कि कैसे आप नेविगेशन अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर असेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह के कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको अपनी डिवाइस अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेयर नहीं करनी, आपको सिर्फ एक USB केबल चाहिए और आपको दो ऐप्स डाउनलोड करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्मार्ट प्ले स्टूडियो जैसे आप डाउनलोड करोगे, आपको वो नेवी मैप्स डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। जब आप इन दोनों को डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ USB इंसर्ट करनी है। और जैसे ही आप मोबाइल में इंसर्ट करोगे, अब ये देखिए दोस्तों, आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो का ऑप्शन अब ये दिखाई दे रहा है। और जब आप इसको ओपन करोगे, आपको नेविगेशन का ऑप्शंस अपनी डिस्प्ले पे मिल जाएगा। और ये हम अब कनेक्ट कर चुके हैं नेविगेशन में। जैसे हम इसको दबाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये नेविगेशन का ऑप्शन ओपन हो चुका है और ये अब आपको आपकी फोन की स्क्रीन में भी दिखा देगा। तो USB केबल होना बहुत जरूरी है नेविगेशन ऑप्शन को असेस करने के लिए। और अब जिधर भी आप अपनी गाड़ी जाओगे, आपको इस पॉइंट के हिसाब से वो लेके चलता जाएगा। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो कि कैसे आप नेविगेशन मैप्स यूज़ कर सकते हो इंफोटेनमेंट सिस्टम में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।